हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज बात करूंगा मैं कृषि से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में जो पूरी की पूरी कृषि है उससे रिलेटेड 2017 से रिलेटेड सारे के सारे एग्जैक्ट डेटा की। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो आप जानते हो कि व्यापम एग्जैक्ट डेटा पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और इस एग्जैक्ट डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बन के आते हैं। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्ट डेटा से आएंगे और जो एग्जैक्ट डेटा है आपके आपको पता होना चाहिए कि कहां पे किस चीज का कितना उत्पादन हुआ और कहां पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितनी कितनी वृद्धि हुई, सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कि आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होते हैं। तो पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते किस टाइप से और आंसर हमें किस फॉर्मेट में करना है। उसके अलावा एक और चीज कि कल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं स्पेशल पटवारी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे के सारे ब्रांचेस हमारे इंदौर, भोपाल, खंडवा, बिलासपुर, होशंगाबाद, हरदा, रीवा और गुना सारे के सारे ब्रांचेस में ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर और लेक्चर में बात करेंगे पूरी की पूरी एग्जैक्ट डेटा के, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते कुछ क्वेश्चन की जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ट्रेंड समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट ट्रेंड किस टाइप से आता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ये मतलब नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद सिंस, देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है जो व्यापम की वेबसाइट मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल है वो मेनली हिंदी में अवेलेबल डाटा है, तो इसलिए मैं हिंदी टर्म्स यूज करूंगा और आप चाहो तो इसको मतलब एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप एज इट इज याद कर सकते हो। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भावों के आधार पर कितना है। प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितने प्रतिशत है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भावों पर कितने प्रतिशत है। प्राथमिक सेक्टर की अगर योगदान की बात करें तो उसका योगदान है 36.72%। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, पूरे के पूरे एमसीक्यू मेरे सामने है। तो 33.22, 27.66 या तीसरा ऑप्शन है 36.72, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा 36.72। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार सकल घरेलू राज्य उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 2014-15 अग्रिम में योगदान स्थिर भावों पर कितना है। 2014-15 अग्रिम में स्थिर भावों पर योगदान कितना है, तो योगदान कितना है 30.03%। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 में कुल कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वर्ष 2013-14 में, तो ये उत्पादन कितना हुआ 248 लाख मैट्रिक टन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्थिर भावों पर, ये क्वेश्चन एक्चुअल में व्यापम स्थिर भावों पर वर्ष 2004-05 के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2014-15 में कितनी है, 2014-15 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी है, तो ये है 29218 रुपये राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रति वर्ष के हिसाब से 2014-15 में आय कितनी है 29218 रुपीज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि 2014-15 के आर्थिक सर्वे के अनुसार यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये आपकी कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। तो कृषि क्षेत्र में अगर वृद्धि की बात करें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है 2014-15 में, 18.83% की।
18.8% की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है वर्ष 2013-14 में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ। 2013-14 में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ, गेहूं का कुल उत्पादन यानी कि गेहूं का नेट प्रोडक्शन कितना हुआ। तो ये हुआ आपका 15730,000 मैट्रिक टन, 15730,000 मैट्रिक टन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2014-15 में कितनी रही, 2014-15 में कितनी रही। तो ये थी मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2014-15 में थी 20.11%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में स्थायी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में, तो फोर्थ FYP यानी कि फोर्थ पांच वर्षीय प्रोग्राम में इस चीज की स्टार्टिंग की गई थी। बात करते हैं अगली चीज की, अगले क्वेश्चन की। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया, यह सामाजिक क्षेत्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 2013 में मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहा। देश भर में 2013 में मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहा, 70.5%। तो ये हो गया कुछ एग्जैक्ट डाटा, और आपको इस चीज से समझ जाना चाहिए कि एग्जैक्ट डाटा के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब आपके ऊपर मैं एक्चुअल में आपके सर में इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा आया था उस डाटा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, और ये डाटा आपके ऊपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा नोट डाउन कर लेना अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरे के पूरा जितना है वो डाटा आपको पूरा बता दूं। सबसे पहले बात कर लेते फसल क्षेत्र में विकास दर कितना है। तो फसल क्षेत्र में विकास दर यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास दर कितना है, 2012-13 में जो विकास दर था वो था 28.12%, और 2016-17 में जो विकास दर रहा वो रहा 25.81%। एकदम एग्जैक्ट डेटा है, इससे रिसेंट डेटा कुछ नहीं है, 25.81% कृषि विकास दर, फसल क्षेत्र में विकास दर कितना रहा अपना, 25.81%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक होता है, और सामान्यतः औसत वर्षा कितनी है, 1026.4 mm यानी कि 1026 mm की वर्षा होती है। अगर हम बात करें जो वर्ष 2015 की जून से लेकर सितंबर की अवधि तक 804.3 mm की वर्षा दर्ज हुई, तो कितनी वर्षा हुई वर्ष 2015 में जून से लेकर सितंबर की अवधि में 804.3 mm की वर्षा दर्ज हुई, जो कि सामान्य औसत वर्षा से लगभग 21.64% कम है। ये सीधे सीधे जो डाटा है ना, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो व्यापम के एग्जाम बनते हैं तो डाटा सीधा सीधा उठा के इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। वर्ष 2016 की बात करें तो वर्ष 2016 में इसी अवधि में कुल वर्षा कितनी हुई, 1037.6 mm दर्ज करी गई, जो कि मध्य प्रदेश की सामान्य औसत से लगभग 1.09% ज्यादा है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ष 2016 में कितनी बारिश दर्ज करी गई, कितनी बारिश दर्ज करी गई। अगर आप पूरे के पूरे वर्ष वाइज देखो तो कौन से महीने में कितनी बारिश होती है, तो उसके लिए भी पूरे के पूरे टेबुलर फॉर्म है, और ये डाटा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का है। तो किस महीने में कितनी बारिश की वृद्धि हुई, कमी हुई, तो ये डाटा भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। बात करते हैं अगली चीज की, खाद्यान्न के ऊपर। अभी आपने देखा तो खाद्यान्न के नेट प्रोडक्शन के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आया था, तो बात कर लेते खाद्यान्न में आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, उन सारे खाद्यान्नों की बात करेंगे। खाद्यान्न मतलब होता है जो खाने योग्य फसलें रहती हैं उनको खाद्यान्न बोलते हैं। तो खाद्यान्न में कहां पे किस चीज का कितना प्रोडक्शन रहा और किस चीज में कितनी कमी हुई। समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 2.59% की वृद्धि परिलक्षित हुई। इस अवधि में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ साथ खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष 5.94% वृद्धि हुई। तो आपको याद क्या रखना है कि 2015-16 में खाद्यान्न प्रोडक्शन में 2014-15 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई, तो 5.94% की वृद्धि हुई 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया खाद्यान्न में कितनी वृद्धि हुई। बात करते हैं अगली चीज की, तो अब आपके सीधे सीधे आपको पूरी पूरी फसलों के बारे में बताएंगे
कि चावल की अगर हम बात कर रहे हो, चावल में 2015-16 में नेट प्रोडक्शन कितना रहा, 5,320 हजार मेट्रिक टन, ये रहा चावल का उत्पादन। 3,140 हजार मेट्रिक टन ये रहा आपका मक्के का उत्पादन, और मक्का यानी होता है मेज, चावल यानी होता है राइस। और अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो नेट उत्पादन रहा वो कितना रहा, 18,410 हजार मेट्रिक टन, ये रहा गेहूं का उत्पादन। तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ, 33,951 हजार मेट्रिक टन, ये रहा कुल किस चीज का उत्पादन, आपके कुल खाद्यान्न का उत्पादन। अगर हम देखें तो उसमें वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पे जो 2014-15 में उत्पादन था वो था कितना, 38,048 हजार मेट्रिक टन, और जो 2015-16 में जो उत्पादन था वो था 33,951 हजार मेट्रिक टन। तो दोनों में वृद्धि कितनी हुई, 5.94 की वृद्धि हुई 2015-16 में। 2015-16 में कितनी वृद्धि हुई, 5.94 की। ये डाटा 5.94 की वृद्धि आपको याद रखना है, और गेहूं का नेट प्रोडक्शन कितना हुआ ये भी आपको याद रखना है। चावल की अगर बात करें तो कितने क्षेत्र में चावल को बोया गया था 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 में 5.99% की कमी परिलक्षित हुई, और क्षेत्रफल वर्ष के 2,153,000 हेक्टेयर से घटा के 2015-16 में बस 2,024,000 हेक्टेयर में इसका प्रोडक्शन किया गया। पहले अगर हम 2014-15 की बात करें तो इसका प्रोडक्शन कितना था, 2,153,000 हेक्टेयर, और 2015-16 में इसका उत्पादन कितना हुआ, 2,024। और जो आपने नेट फाइनल जो आपको प्रोडक्शन हुआ वो तो हमने देख ही लिया। इस तरीके से अगर मक्के की बात करें तो मक्के का जो पहले प्रोडक्शन हुआ था वो कितना हुआ था, पहले कितने एरिया में इसको बोया गया था, पहले पहला जितना एरिया बोया गया था उससे था उससे 3% की कमी हुई। तो अगर पहले कितने 1,132 हजार हेक्टेयर में इसको बोते थे, इस बार अगर हम देखें तो इसको बस 1,098 हजार हेक्टेयर में इसको बोया गया मक्का यानी कि मेज। और मक्के के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 24.06% की वृद्धि हुई। सीधे सीधे क्वेश्चन इन चीजों के ऊपर बनेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि ये डाटा मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन आएगा गेहूं के ऊपर, गेहूं काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो गेहूं कपास सोयाबीन इन चीजों के ऊपर तो आप एटलीस्ट पढ़ लेना कि इनका प्रोडक्शन वगैरह कितना था। गेहूं के क्षेत्राधीन में अगर वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 की बात करी जाए तो 1.52% की कमी हुई, और क्षेत्रफल गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर के 6,002 हजार हेक्टेयर से घटके कितना हो गया 2015-16 में 5,911 हजार हेक्टेयर हो गया। इस अवधि में गेहूं का क्षेत्रफल की कमी के बाद ही उत्पादन 0.38% की कमी परिलक्षित हुई, यानी कि गेहूं के उत्पादन में टोटल कमी कितनी हो रही, 0.38% की कमी हो गई। पहले कितना था जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो कितना था, 18,480 हजार मेट्रिक टन, जबकि 2015 में कितना प्रोडक्शन हो गया, 18,410 हजार मेट्रिक टन। बात कर लेते हैं दलहनी फसलों की, दलहनी फसलों में भी कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, तो दाल से रिलेटेड यानी कि पल्सेस की यहाँ पे बात हो रही है। पल्सेस में अगर हम देखें तो पल्सेस में अरहर का जो नेट प्रोडक्शन था, अरहर का 2015-16 में जो नेट प्रोडक्शन रहा वो रहा 640 हजार मेट्रिक टन। अगर चने की प्रोडक्शन की बात करें तो चने का जो नेट प्रोडक्शन रहा वो रहा 3,364 हजार मेट्रिक टन। अगर टोटल कुल दलहन में आपसे पूछा जाए कि दलहन की प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, तो टोटल दलहन का कुल प्रोडक्शन कितना रहा, 5,654 हजार मेट्रिक टन, और इसमें चेंजेस कितने क्या, 21.67% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 21.67% की। बात करते हैं अगली तिलहनी फसलों की, इसमें कौन कौन सी फसलें इंक्लूडेड है, राई सरसों और सोयाबीन। तो राई सरसों की बात करें तो 2015-16 में जो नेट प्रोडक्शन था वो कितना था, 666 हजार मेट्रिक टन, और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन था वो था 5,906 हजार मेट्रिक टन। अगर आप देखो तो पहले, इससे पहले कितना था सोयाबीन का, 6,382 हजार मेट्रिक टन, और अगर 2015-16 में देखें तो इसमें कितना हो गया, 5,906 हजार मेट्रिक टन। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, 7.46% की कमी आई, और इस तरीके से राई सरसों में कितनी कमी आई, 0.60% की कमी आई। तो यहाँ पे नेट चीज इसका प्रोडक्शन घट गया। ओवरऑल कुल तिलहन की बात करें, तिलहन में लगभग 4.96% की कमी आई। पहले जो प्रोडक्शन था वो था 7,719 हजार मेट्रिक टन, और फिर 2015-16 में कितना था, 7,336 मेट्रिक टन। बात करते हैं राई और सरसों की, राई और सरसों की हमने ऊपर डाटा पर नजर डाल दी। अब बात करते हैं गन्ना और कपास की, गन्ना और कपास की अगर हम देखें तो गन्ना और कपास का 2015-16 का प्रोडक्शन कितना था, 528 हजार मेट्रिक टन, और कपास का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 1,348 हजार मेट्रिक टन,
चेंजेस कितना हुआ, चेंजेस हुई, ग्रोथ हुई 15.54% की और इसमें ग्रोथ हुई 8.53% की। चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे अगर बात करें तो विभिन्न उद्योगों में सब उत्पन्न सकल राज्य मूल वर्धन का क्षेत्रवार क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भावों पर, यानी कि किस चीज ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया सकल राज्य मूल वर्धन के क्षेत्रवार प्रतिशत के अनुसार। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो आपको पूरे पूरी खेती किसानी करते हो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है, जो आपको पूरे पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता है यानी कि जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है चीजों से रिलेटेड वो किसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जो आपकी सर्विसेज है, आईटी की सर्विस हो गई, मेडिकल की सर्विस हो गई, जो आपकी सारी की सारी सर्विसेज है वो आपकी आती है तृतीय क्षेत्र में। तो आपके ऊपर ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2016-17 में प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था, 41.43%, द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था, 19.77%, और तृतीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था, 38.80%। और ये है अग्रिम और ये है त्वरित। तो त्वरित 2015-16 की बात करें तो 2015-16 में कितना था, 21.33, ये था 37.82 और ये था 40.85। बात करते हैं अगले एक चीज की, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर भाव 2011 के भावों पर। तो 2011 से अगर हम देखें तो 11 से इसमें कितनी वृद्धि हुई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो इसमें अगर वृद्धि को देखें तो यहाँ पे जो था ये पहुंच गया 6,40,484 पे, अगर आप 6,40,484 करोड़ रुपए, इतना अपना इस बार का जीडीपी में जो अपना प्राइस रहा। और अगर हम देखें ये आपका बेसिकली ये आपका प्रचलित भाव है और एक स्थिर भाव है, और तो दूसरे के अगर हम देखें तो दूसरा कौन सा है आपका 4,65,212 करोड़ की, इतने कि आपकी दोनों के दोनों के प्रचलित भाव हो गया, आपका एक स्थिर भाव हो गया। अगर हम आगे चले तो आगे जो कुछ डाटा आ रहा है वो है किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2015-16 में 9.17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए और वर्ष 2016-17 में 7.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। तो 2015-16 में कितने वितरित हुए, 9.17 लाख, और 2016-17 में कितने वितरित हुए, 7.39 लाख। बात करेंगे स्वेल्थ हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड की, स्वेल्थ हेल्थ कार्ड का अगर वितरण देखें तो स्वेल्थ हेल्थ कार्ड का 2015-16 में भारत सरकार से उपलब्ध राशि 468 लाख रुपए का व्यय किया जाकर 1,793 लाख का आवंटन उपलब्ध है, यानी कि इतनी राशि भी बची है, इस पर यूज करना बाकी है। और प्रदेश में 2016-17 में लक्षित नमूना 23.14 लाख के विरुद्ध 21.25 नमूने एकत्रित किए गए। बात करते हैं फिशरमैन क्रेडिट कार्ड की, मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड वर्ष 2012-13 से 0% से वार्षिक ब्याज पर फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2015-16 में कितने फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हुए, 7,809 फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हुए। तो ये था आपका पूरे का पूरा डाटा जो आपके मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और पूरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हम देखें तो आपके पूरे का पूरे जो मैंने आपका डिस्कशन किया सारे के सारे डाटा के ऊपर, तो डाटा में हमने सारी की ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी हैं जितना आपका डाटा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। और ये डाटा एक्चुअल में आपके ऊपर सीधे फ्रेम होंगी, मुझे भी पता है कि ये चीजें याद करना काफी ज्यादा बोरिंग है और मतलब सच में इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, बट द थिंग इज कि इसमें मार्क्स आएंगे और मार्क्स इंपॉर्टेंट स्कोर करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, और हम ट्राई कर रहे हैं कि डेली आपका एक सब्जेक्ट लेक्चर लेके आए, इसके अलावा एक एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेके आए। तो अभी आपका लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, इसके अलावा जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।